हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। स्वागत में आपको क्रिकेट से बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिल सके। इस वक्त में आपको जो आरसीबी के रिलीजिंग और रिटेंशन खिलाड़ियों की लिस्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ी उन्हें रिलीज किए हैं और कौन कौन से खिलाड़ी उन्हें रिटेन किए हैं। सभी खिलाड़ियों की लिस्ट में आपको बता दूँ कौन कौन से खिलाड़ी वो रिलीज कर सकते हैं। 3 खिलाड़ी उन्होंने रिलीज किए हैं, बाकी खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं। जिन 3 खिलाड़ियों की उन्होंने रिलीज किए जिनमें शिवम दुबे और मुइन अली, इसके अलावा उमेश यादव को रिलीज किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज होंगे, उनमें अरुण फिंच 1, इसके अलावा शहबाज अहमद को भी रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा जोस फिलिप को भी रिलीज़ किया जा सकता है। पार्थी पटेल जिसको भी 2020 में मौका नहीं मिला था उसको भी रिलीज़ किया जा सकता है। डेल स्टेन को पहले विड्रा किया था। इसके अलावा इसरुडाना को भी रिलीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बस बाकी खिलाड़ियों को रिटेन, जिनमें युजेंद्र चहल भी रिटेन होंगे, इसके अलावा नवदीप सैनी भी रिटेन, इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी रिटेन, इसके अलावा एबी डिविलियर भी रिटेन होंगे और वाशिंगटन सुंदर भी रिटेन होंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि शहबाज अहमद जो पिछले मैचेस में अच्छी कुछ मैचों में इनको जगह मिली थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, इनको रिटेन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 21 जनवरी सब तय हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिस मॉरिस को भी रिटेन किया जाएगा। इसके अलावा गुरकिरत सिंह मान को रिलीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा पवन देशपांडे को भी रिलीज़ किया जा सकता है। देवदत्त पारीकर को रिटेन किया जाएगा। इसके अलावा विराट कोहली को रिटेन ही किया जाएगा, और जिनमें 10 से 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा और 7 से 8 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जाएगा, जिनमें 3 खिलाड़ियों को पहले रिलीज़ किया गया है, जिनमें शिवम दुबे, इसके अलावा मुइन अली और उमेश यादव को पहले ही रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा डेल स्टेन ने पहले विड्रॉ किया था और बाकी खिलाड़ियों को अब 21 जनवरी तक रिलीज़ किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर बात की जाए कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन पर नज़र रहेगी आरसीबी की टीम को, जिनमें अगर बात की जाए बड़े बल्लेबाज जिनमें जो केरला की तरफ से 37 बॉलों पे शतक मारा है मोहम्मद अजहरुद्दीन, उस पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा पुनीत बिष्ट जिन्होंने 146 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली थी, उनको उन पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा बड़े बड़े गेंदबाज हैं जिनमें सिद्धार्थ कौल को रिलीज़ किया जाता है तो उस पर भी नज़र रहेगी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज डोमेस्टिक क्रिकेट में है, उनको उन पर भी नज़र रहेगी आरसीबी की टीम पर। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक